क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की, देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकोर्स फॉर एनी लॉस फॉर सच ट्रांजेक्शंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आज की जो 10th of August 2022 जो आज की डेट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के प्राइस के लिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट, मतलब ग्लोबली काफ़ी मार्केट्स के लिए ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना और आज के दिन यहाँ पर शाम तक तो कभी लगभग वेट करना, उसके बाद ही यहाँ मार्केट में कोई ट्रेड करने की कोशिश करना। अभी वीडियो के शुरुआत पार्ट में ही मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा वॉलीटिलिटी आ सकती है, तो थोड़ा सा आज फ्यूचर ट्रेडिंग अवॉइड करना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे तो लगभग 1.08 trillion के आसपास हमें देखने को मिल रही है, उसमें लगभग 4% की गिरावट है 24 आवर्स के अंदर। बिटकॉइन के प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 22,900 के नियर अबाउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वहीं पर अगर इथेरियम की बात करते हैं तो 1,673 USDT के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि कल के दिन मार्केट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली हमें दिन में भी रात में भी, लेकिन गिरावट अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है। और यहाँ पर एक्सपेक्ट हो रहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो मार्केट गिर भी सकती है, और कुछ अगर पॉजिटिव होता है तो मार्केट बढ़ भी सकती है। तो क्या वो चीज़ है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन का डेटा आपको मैं लगातार दे रहा हूँ और इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन किस तरीके से रिसेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो ये मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि लास्ट मंथ आपने 13 जुलाई 2022 को देखा था कि इन्फ्लेशन का डेटा आया था, 9.1 इन्फ्लेशन रेट आया था, और यहाँ पर आप देख सकते हो द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इज़ यूर यूएस एक्सलेट टू 9.1 इन जून ऑफ 2022। तो कहने का मतलब ये कि 1981 के बाद से ये बड़ा नंबर था इन्फ्लेशन रेट का यूएस में, और उसके बाद इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हुई। अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि लगभग ये जो 13 जुलाई 2022 को जो डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया, जो इन्फ्लेशन का नंबर था वो 9.1 था। अब यहाँ पर आज के दिन क्या होना है, आज के दिन इन्फ्लेशन नंबर और आना है यहाँ पर। तो अगर ये इन्फ्लेशन नंबर यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये डेटा को देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये 13 जुलाई को पीछे का डेटा आया था जहाँ पर 9.1 बोला गया था, उससे पहले 10th जून 2022 को ये डेटा आया था जिसमें 8.6 था इन्फ्लेशन रेट, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आज 10 अगस्त 2022 को डेटा आना बाकी है, जो कि यहाँ पर GMT टाइम है 12:30 PM, ठीक है 12:30 PM। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग शाम के 6 बजे होंगे, मतलब यहाँ का जो हमारा इंडिया का टाइम होगा वो लगभग शाम का 6 बजे का होगा, वहाँ पर ये इन्फ्लेशन रेट आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस इन्फ्लेशन रेट आप देख सकते हो कि यहाँ पर 9.1 है, लोगों की राय ये है कि 8.7 हो सकता है, और TE फोरकास्ट ये है कि 9.1 ही रहेगा, यानी जो प्रीवियस था वही इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखो अगर ये नंबर आता है, इन केस अगर ये नंबर आता है 8.7 का, यानी इन्फ्लेशन रेट 9.1 से गिरकर 8.7 हो सकता है जो लोगों की राय है यहाँ पर, तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट करेगी। अगर यहाँ पर 9.1 भी आता है तो भी मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर सकती है, लेकिन अगर ये 9.1 से थोड़ा सा भी ज़्यादा आ गया, यानी 9.3, 4, 5 इस तरह से आ गया या 10 आ गया, तो फिर मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैंने जो आपको बताने की कोशिश की आपको समझ में आई, अगर ना समझ में आई तो वीडियो का ये पार्ट दोबारा से देख लेना। फिर से एक बार मैं यहाँ पर रिमाइंडर कर देता हूँ कि देखो इन्फ्लेशन जिस तरीके से यूएस में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, अपने इंडिया का भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, काफ़ी देशों का इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, काफ़ी वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ पहले ही। तो जून का जो इन्फ्लेशन रेट जुलाई में आया था 13 जुलाई को, वो आया था 9.1, यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडल को, और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो उससे पहले 10 जून 2022 को इन्फ्लेशन रेट आया था जो कि 8.6 था, फिर 13 जुलाई को 2022 को जो इन्फ्लेशन रेट आया वो बढ़ के आया और मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली, 9.1 हो गया। अब यहाँ पर इस महीने यानी आज के दिन 10th ऑफ अगस्त 2022 को यहाँ पर मतलब इंडियन टाइम 6 PM के हिसाब से यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन रेट देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन रेट अगर यहाँ पर जो लोग अपनी सहमति बना रहे हैं, मतलब लोग अपनी जो राय दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि 8.7 हो सकता है, घट सकता है, अगर घटता है तो भी मार्केट ऊपर जाएगी, अगर यहाँ पर सेम नंबर रहता है 9.1 तो भी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं, अगर 9.1 से
बढ़ता है इन्फ्लेशन रेट तो मार्केट में एक डंप भी हमें देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल सिंपल सी अपडेट है, यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की। अब चलते हैं BTC के चार्ट पर, वहाँ थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल के साथ अगर हम टेक्निकल को कंबाइन करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेली चार्ट पर जो चैनल यहाँ पर क्रिएट है, राइजिंग चैनल के अंदर ही यहाँ पर प्राइस मूवमेंट कर रहा है, ऊपर गया था नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, तो इस सपोर्ट पर आने की कोशिश करेगा। एक मजबूत अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस को मिलेगा लगभग 22,200 के आसपास, यानी 22,000 का एक मजबूत सपोर्ट यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये देखो एक छोटी सी मैंने जोन टाइप की बना दी है, इसके यहाँ पर प्राइस को अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ये आप ध्यान रखना, ये जो चैनल काफ़ी दिन से बना हुआ है ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन जो यहाँ पर लोगों की सहमति बन रही है, लोग उम्मीद कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट नंबर कम आना चाहिए, TE फोरकास्ट में ये बोला जा रहा है कि 9.1 ही रहेगा, यानी सेम नंबर रहेगा। लेकिन इन केस देखो, जब ऐसा होता है ना कि हम सारे लोग एक चीज़ सोच रहे होते हैं ऐसा ही होगा, तो फिर वहाँ पर चीज़ें उल्टी हो जाती हैं और फिर वो हमारी आशाओं के विपरीत होती है और वहाँ पर फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है उस चीज़ को, वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमें दोनों सिक्के के दोनों पहलू के ऊपर गौर करना होगा। तो बहुत ही सिंपल सी अपडेट है यहाँ पर, मैं आज के दिन आपसे यही बोलूँगा कि जो बंदे फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं थोड़ा सा आज के दिन अवॉइड कर लें, क्योंकि मार्केट आज के दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकती है, अभी हो या शाम को हो, क्योंकि मैंने कल से जो इन एक्सचेंज का इनफ्लो का डेटा है उस पर मैं नज़र रखे हुए हूँ, तो काफ़ी वहाँ पर इनफ्लो के ज़रिए BTC को पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं तो पैनिक है। जिनके पास बड़ी होल्डिंग है वो ये चाह रहे हैं कि अगर अभी भी रेट हमें 24,000-23,000 के आसपास मिल रहा था कल के दिन उनको, तो वहाँ पर भी उन्होंने सेल ऑफ किया है, अभी और इनफ्लो हो सकता है। तो ये चीज़ें बिटकॉइन के जब इनफ्लो होता है एक्सचेंज में तो सेलिंग प्रेशर बनता है और मार्केट में एक डंप आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा आज के दिन मार्केट को देखो, क्योंकि कभी कभी मार्केट को सिर्फ देखना भी चाहिए। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि अपडेट में काफ़ी कुछ यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है, और अपनी नज़र बनाकर रखना, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आज आना है, शाम 6 बजे तक आ जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो वहाँ पर हमें उस पर नज़र रखनी है और उसके बाद मार्केट को हम देखेंगे कि मार्केट किस ओर जाएगी। उम्मीद यही करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट ना बढ़े और प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि काफ़ी हमारा यहाँ पर लॉसेज हैं लोगों को। और दूसरी चीज़, यहाँ पर थेटा के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि थेटा में भी लोगों ने एंट्री ली, लेकिन कल के दिन जो मार्केट में इनफ्लो बना BTC का, उसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। अभी अगर देखेंगे तो देखो, आज के दिन वेट कर लो, आज के दिन अगर अच्छा पॉजिटिव हमारे नज़रिए से जो हम सोच रहे हैं, सारे लोग सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन नंबर घटेगा, अगर घटता है या सेम नंबर भी आता है तो यहाँ से मार्केट पंप मारेगी ज़रूर मेरे हिसाब से, तो फिर यहाँ पर थेटा भी पंप मारेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट आपको काफ़ी पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और जो लोग नए हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लेना। अब मुझको याद दो, नेक्स्ट अपडेट की तैयारी करता हूं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की, देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्ड फॉर एनी लॉस फॉर सच ट्रांजेक्शंस।